हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट के अंदर बन जाने वाले छोले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। देखने में कितना टेस्टी यम्मी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी स्पाइसी यम्मी ये छोला है। इसे आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ सर्व करें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जिस वक्त इसे सर्व करें, इस पर प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, नींबू ज़रूर डालें। मैं यहाँ धनिया पत्ती, टमाटर से गार्निशिंग की हूँ, तो छोले बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ मैं 2 कप चाय वाली कप से 2 कप काबली चना ली हूँ। इसे रात भर भिगो कर रखी थी। इसे अच्छे से धुलकर छान कर रख ली हूँ। बहुत इजी तरीके से छोला बनाना बताऊँगी। और साथ में ही 2 तेज़पत्ता इसमें डाल दी हूँ। 1 बड़े साइज़ का टमाटर कट कर रखी हूँ। 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है। 2 हरी मिर्च कट करके रखी हूँ। 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये गार्निशिंग के लिए 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और 1/2 टमाटर चाहिए। 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर है। 2 लौंग, 1 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटी चम्मच जीरा काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, नमक बाद में और ऐड करूँगी। और इन सभी मसालों को मैं छोले के अंदर डाल दूँगी। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती को भी डाल दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल दूंगी और मसाले डालूंगी अभी नहीं, इसे पकाने के बाद। और इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से कुकर में डालकर 6 से 7 सीटी हाई फ्लेम पर दिला लूंगी ताकि छोला हमारा अच्छे से गल जाए। तो इसे मैं गला ले रही हूँ। मैं कुकर में डाल दी हूँ और कांच वाले कप से जो मैं पानी डाली हूँ, इस स्टील वाले गिलास से 2 कप है, क्योंकि वो कप मेरी बड़ी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो नॉर्मली गिलास होती है उससे 2 कप पानी डालना है और मैं यहाँ 1 बड़े गिलास डाली हूँ, यानी कि कांच वाले कप से डाली हूँ। यहाँ मैं कुकर को खोल दी हूँ। छोला गल कर तैयार है। कितना यम्मी टेस्टी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा छोला नहीं गला है। अब तड़के की तैयारी करती हूँ और इंग्रीडियंट्स दिखला दे रही हूँ। हाँ, मैं 1 बारीक प्याज काट कर रखी हूँ तड़के के लिए और 1 बड़ी चम्मच चाट मसाला है। आप इसके अंदर है सूखी मिर्च, गरम मसाले का भी तड़का दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रखी हुई, मेरा होममेड चाट मसाला है। और यहाँ मैं 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल के अंदर मैं प्याज को डाल दूँगी। प्याज काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही है। बहुत ईजी सी रेसिपी है। बहुत जल्दी ये छोला बनकर तैयार हो जाती है। खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ प्याज अच्छे से फ्राई होगी, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके अंदर छोले को डाल देना है। यहाँ मैं छोले को डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं छोले को डाल दी हूँ और फ्लेम को हाई रखी हूँ। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूनूंगी मैं। जितना आपको छोले में ग्रेवी चाहिए आप उतना उतार लें, यानी कि जितनी आपको तरी चाहिए। तो मैं यहाँ ज़रा सा इसे क्रिस्प करूँगी, यानी कि 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पर पकाऊँगी, 3 से 4 मिनट। इसके अंदर मैं छोला मसाला डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ 3 मिनट हो गया। बस इससे ज़्यादा छोला को नहीं सुखाऊंगी, बस इतना ग्रेवी काफ़ी है। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ, इसे सर्व कर ले रही हूँ। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बनाकर बताई हूँ। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। यहाँ मैं छोला को सर्व कर ली हूँ। इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती और टमाटर से गार्निशिंग करूँगी। तो मैं जल्दी से गार्निशिंग कर ले रही हूँ। इसे पूड़ी के साथ सर्व करूँगी। यहाँ मैं अपने सिंपल छोले को पूड़ी के साथ सर्व की हूँ। बहुत अच्छी टेस्टी लगती है, तो आप भी ज़रूर से बनाएं और सर्व करें। बच्चों को टिफ़िन में दें। बहुत इजी सी रेसिपी है, खाने में बहुत यम्मी टेस्टी लगती है। जब आप इसे सर्व करें, इसके ऊपर बारीक प्याज कट कर दें, लेमन या चाट मसाला डालें, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।